यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस के नवाही इलाके लोचा में फायरिंग से 6 अफराद हलाक हो गए। फायरिंग की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। इस हवाले से बात करते हैं जफर साई से। जी जफर साई, आगाह कीजिएगा। जी, ये नाखुशगवार वाकया जो है वो कल दिन के वक्त एथेंस का नवाही इलाका है लोचा, एक इंतहाई अहम इलाका है, वहाँ ये जो है नाखुशगवार वाकया जो है पेश आया है। और फायरिंग के तबादले में 6 अफराद जो है उनकी हलाकत की, जो पुलिस ने मुकामी पुलिस है उसे उन्होंने तस्दीक कर दी है। और इस वाकया के बाद पुलिस ने ये जो इलाका है जिसको लोचा के नाम से ये मशहूर है इलाका, एथेंस से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के फासले पर यह इलाका है, इस मुकम्मल इलाके को पुलिस ने सील कर दिया है। और अभी तक जो ताज़ा तरीन इतलात आ रही है उनके मुताबिक ये कोई 2 ग्रुप है जिनके दरमियान ये फायरिंग का तबादला हुआ है और जिसके नतीजे में 6 अफराद जो हैं वो हलाक हुए। लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से ना तो ये जो 6 शख्स जिनकी हलाकत हुई उनकी तफसीलात जो है वो जारी की गई हैं और ना ही उनके नाम जो है और ना ही उनकी जो शहरियत है उसके बारे में जो है वो पुलिस ने किसी किस्म का कोई ऐलान जो है वो किया है। लेकिन इस पूरे इलाके को पुलिस ने घेरे में ले रखा है और यहाँ जो है वो इंतहाई सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और उम्मीद है कि आज शाम तक इस पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। बहुत शुक्रिया जफर शाही आगाह करने के लिए।